Hello children, hope you are all doing good. Let's start today's chapter, living organisms and their habits. Warm up exercise. You are living in an environment where you are surrounded by both plants and animals. A potted draws in your house, a neem of people drain your surroundings. The thick green moss lying on the surface of the water are all examples of plants. डॉग कैट हॉर्स काओ आर बफलो आर एनिमल्स इफ़ यू आस्क फॉर एन असाइनमेंट इन विच यू विल ब्रिंग अप पिक्चर ऑफ प्लान एंड वन पिक्चर ऑफ एनिमल इन क्लास डॉ यू थिंक यू विल हैव सेम टाइप ऑफ पिक्चर्स नो एवरी वन विल गेट डिफरेंट सेट्स ऑफ पिक्चर्स ये वट द स्टूडेंट माई हैव सीन इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड नो डाउट द डिफरेंट एनिमल्स प्लांट ऑफ फीचर्स ऑफ ए सोट इन प्लेस इन द टेबल देखिए आपको आपके सराउंडिंग में जो डिफरेंट सराउंडिंग्स में आपके प्लान्ट एनिमल जो भी पाए जाते हैं और उनके जो फीचर्स हैं वो आपको स्टेबल में नोट डाउन करना हैबिटेट द सराउंड थिंग्स इंक्लूडिंग द एन्रोमेंट कंडीशन विच प्रोवाइड द ऑर्गैनिज्म इट्स फूड वाटर योर एंड शेल्टर कॉन्स्टिट्यूट द हैबिटेट ऑफ दोज ऑर्गैनिज्म हैबिटेट मीनस द डवेलिंग प्लेस और द होम ऑफ एन ऑर्गैनिज्म सेवरल प्लान एंड एनिमल्स शेयर हैबिटेड देव टुगेदर इन डेलीगेटली मेनटेन बैलेंस अमंगस देखिए जिस प्लेस पे एनिमल्स रहते हैं

हाइड्रोफाइट हे अ पोर्ली डिवेलप्ड रूट सिस्टम अच्छा हाइड्रोफाइट्स हाइड्रो का मतलब होता है वाटर तो इसे आप समझिए गए होंगे कि वो प्लांट जो आपके अक्वेटिक प्लांट होते हैं राइट जैसे कि आपका वोटर हे सिंध है या लोटस है अब हाइड्रोफाइड्स के जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही पोरली डिवेलप्ड होता है दे लिव इन वॉटर देव दे डो नॉट रिक्वायर अ वेल डिवेलप्ड रूट सिस्टम टू एब्सॉर्व वाटर अब क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो उनको एक वेल well डिवेलप्ड

अच्छा अब अच्छा जो प्लांट्स मार्शी कंडीशन में रहते हैं उनके ब्रीदिंग रूट्स होते हैं वो रूट्स उनके आपकी सॉइल से ऊपर आ जाते हैं ब्रीथ करने के लिए तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है मैंग्रोव्स अब हाइड्रोफाइट्स को भी तीन कैटेगरीज में और क्लासीफाई किया गया है नंबर वन एज स मोर्स्ड प्लांट्स दीज प्लांट्स मीन कम्प्लीटली समर्ज इन वाटर द लीव्स आर नैरो एंड डू नॉट हैव एस टोमेटा इन दैम दे ब्रीद एंड अब्जॉर्व वाटर थ्रू द बॉडी सर्विस एग्जाम्पल पॉन्न वीड एंड टीप ग्रास ये प्लांट जो आपके वाटर में कंप्लीटली समोर्ज होते हैं तो ये क्या करते हैं इनके स्टोमेटा नहीं होते हैं, तो ये अपनी बॉडी सर्फेस के थ्रू ब्रीदॉर्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल फिक्स प्लान प्लांट्स मोस्ट ऑफ दम है लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड वेरी ब्रॉड लीव्स एग्जाम्पल लोटस द लीव इन सर्फेस अच्छा फिक्स प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर बॉडीज के बॉटम में फिक्स होती हैं और ज्यादातर इनके हॉलो स्टेम होते हैं और लीव्स काफी ब्रॉड होती हैं

They grow in conditions where there is moderate amount of water available for them to survive. The mesophytic plants show modification according to the climatic conditions. The plants of mountainous regions like Kashmir, Shimla, and Anidal have pointed needle shaped leaves. They are tall, straight, and look like the Christmas tree. They do not bear flowers. Instead, they produce cones. Their shape helps to protect them. from snow these plants also emit a strong smell that keeps insects away from them example of such plants include pines, spruce fir deodar, etc acha aapke jitne bhi plants hote hain jo land pe except aapke jo desert mein hote hain क्योंकि जो desert में आपके plants होते हैं ना जीरो फाइट्स कहा जाता है तो जितने भी प्लांट्स आपके लैंड में होते हैं उन्हें कहा जाता है मीजो फाई. तो ये जिस भी आपके कंडीशन में जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता है जैसे कि जो अगर माउंटेनियस ट्रीज की बात करें तो वो स्टॉल स्ट्रेट होते हैं और क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं वो फ्लावर्स बेयर नहीं करते बल्कि उनमें कॉन्स होते हैं इसके अलावा ये अपने आप में एक स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं राइट जिससे कि इंसेक्ट जो इनसे दूर रहते हैं जीरो फाइट्स द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर स्कार्स कंडीशन ऑफ डेजर्ट आर कॉल जीरो प्लांट्स आर अ लॉन्ग एंड वेल डिवेलप रूट सिस्टम टू एब्सॉर्व वाटर फ्रॉम द डीपली प्लेस्ड वाटर टेबल

तो इन प्लांट्स के वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होते हैं जो बहुत ही डीपली चले जाते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए राइट और इन ये प्लांट्स के यूजुअली नीडल शेप लीव्स होती है या फिर जो लीव्स हैं वो अपनी स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है फॉर एग्जाम्पल कैक्टस इज अ वेल नोन डिजर्ट प्लांट एक्टिविटी वन वॉज इट अ नियर बाय गार्डन विद अ पॉन्ड और लेक स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन वाटर एट द एज ऑफ द पॉन्ड एंड इन द गार्डन रिकॉर्ड द डिफ्रेंस इन द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प देम टू टू दियर सराउंड सो यू विल हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ Animals and their habitats. Like plants, animals also live in different environmental conditions. Terrestrial habitats. The animals living on the land surface are called terrestrial animals and their habitat is called terrestrial habitat. We can group this type of habitat in some subgroups. Terrestrial animals, are land and have categorize categorized further. Number one is desert. The biotic component of a desert is very typical and living conditions harsh. There is extreme water scarcity it is very hot during the day time and very cold during the night such extreme climatic condition brings about a special adaptation in the desert animals for example snakes and rats stay in burrow during the day to avoid the intense heat and come out only during the night when it is cool camels are commonly found in deserts and their bodies are well adapted to desert conditions Acha, dikhi, desert, aapko pata hai, काफ़ी हार्श होती हैं वाटर की स्केर्सिटी होती है दिन में बहुत गर्म होता है रात को ठंडा हो जाता है तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है डेजर्ट में जैसे स्नैक्स एंड रेट्स की बात करें तो दिन में अपने बूरों में रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है कैमल्स आपको पता है शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बॉडी well है वो वेल अडाप्टेड है टू डेजर्ट कंडीशन most of the small animals living in desert are nocturnal, which means that they are active during night only, when it is not very hot. During the day, when it is hot, they hide themselves in burrows. This is called estivation अब छोटे-छोटे animals जो आपके desert में होते हैं nocturnal हैं. Nocturnal का मतलब है कि वो रात के time पे active रहते हैं, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है. और दिन के time पे वो अपने आपको अपने burrows में hide कर लेते हैं. तो इसे कहा जाता है आपका, this one is a new word for you, aestivation. Mountain. The mountain region is extremely cold and windy. During winters, they may get snowfall. The animals of mountain regions are adopted to protect themselves from cold conditions. The animals living in polar regions, example polar bear, have a thick fur on their body surface which protects them from the cold. In winters, they hibernate in caves. During hibernation, winter sleep, they live in passively in caves, surviving on their stored food. In summer, they eat a lot to make up for the winter time. अच्छा माउंटेन में आपको पता है कि छोटे कोल्ड एंड विंडी होता है कई बार स्नोफॉल भी होता है राइट तो जैसे कि आपके पोलर रीजन में आपका पोलर बेयर होता है तो उसकी बॉडी में थिक वर होते हैं जो उसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं विंटर्स में ये हाइबरनेट कर जाते हैं के में तो हाइबरनेशन का मतलब होता है लंबी विंटर स्लीप तो ये क्या करते हैं कि ये आपके विंटर स्लीप पे चले जाते हैं देन समर में ये बहुत सारा खाना खाते हैं राइट ग्रास लें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन इन द ग्रास लैंड इज दैट ऑफ अ प्रीडेटर एंड प्रे अ प्रीडेटर इज एन ऑर्गैनिज्म दैट लीन्स बाय कैचिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म वेयर इज अ प्रे इज ऑर्गेनिज्म हंटेड फॉर अट फॉर फूड बाई द प्रिडेटर फॉर एग्जाम्पल अ लाइन हंट अ डियर फॉर फूड द लाइन इज प्रिडेटर एंड डियर इज प्रे तो एक जो इंपॉर्टेंट बैलेंस आपका मेंटेन रहता है ग्रास लैंड में वो है आपके प्रीडेटर एंड प्रे की वजह से प्रिडेटर यानी कि जो एक एनिमल को कैच करता है अपने फूड के लिए एंड प्रे

मास शेप एंड वॉल्यूम ये चीजें आपको कॉमन मिलेंगी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हैज अ मास मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हैज अ पर्टिकुलर शेप बाय विच इट कैन बी इज़ीली आइडेंटिफाइड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव वॉल्यूम दैट इज द रीजन दे ऑक्यूपाई सम स्पेस तो देखिए जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है उनका मास होता है यानी कि मास का मतलब है कि कितना मैटर उनमें है राइट इनका पर्टिकुलर शेप होता है जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली एंड इनका वॉल्यूम भी होता है यानी कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिविटी टू कलेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू यू विवरी ऑब्जेक्ट है मासो इफ यू हेल्ड एनी ऑब्जेक्ट यू वेट दिस इज बिकॉज देर इज अ ग्रेविटेशन पुल ऑन ऑब्जेक्ट इफ यू हैंग अ बलून फिल्ड विद ए टू ए स्प्रिंग बैलेंस यू विल नोटिस दैट इट हैज समेट दिस शोज दट ऑल ऑब्जेक्ट्स विदिंग और नॉन लिविंग हैव मासट देखिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ कलेक्ट कलेक्ट कीजिए आप उनको हेल्ड कर होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए आप उनको वेट फील होगा तो ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से होता है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है आप एक बलून को हैंग कर देंगे जिसमें जो एयर फिल्ड है स्प्रिंग बैलेंस में तो आप नोटिस करेंगे कि इसका भी वेट है तो देखिए जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है हर किसी का मास और वेट होता है Characteristics of living things. There are a number of features which distinguish the living things from non-living things. The characteristic features of living things are the following. They are as follows. Number one, feeding. All living organisms require energy to do work. In any other words, to do work, they intake energy in the form of food. This all organisms, plants or animals, have habit of feeding. On the basis of the method of feeding, organisms. कैन भी कैटेगराइज आज फॉलोज अच्छा देखिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है यानी कि सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑल ऑफ दम गेट एनर्जी फ्रॉम फूड तो फीडिंग के मैथ मैथड ऑफ फीडिंग के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है नंबर वन इज़ ऑटोड्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथिसाइज द ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सन आर कॉल्ड ऑटोड्रॉप्स द मोड ऑफ न्यूट्रीशन इज कॉल्ड अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं यानी खुद से बनाते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स की हेल्प से उन्हें कहा जाता है आपका ऑटोट्रॉप्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोड्रॉपिक प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दे डू दिस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल तो आपके जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं अपना खाना बनाते हैं नेक्स्ट इज हिटरोनिमल्स ऑन द अदर हैंड डिपेंड ऑन प्लान फॉर देर फूड एनिमल्स कंज्यूम प्लान एनर्जी एनिमल्स विच कंज्यूम ओनली प्लान हर्बिवोर्स कारिवोर्स डू नॉट कंज्यूम प्लान डायरेक्टली बट दे फीड ऑन अर एनिमल्स टू गेट एनर्जी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड हीटो ट्रॉपिंग दस फीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छा देखिए एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद से तो नहीं बनाते हैं वो प्लान्ट डिपेंडेंट होते हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एनिमल्स जो हैं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए और एनिमल्स जो हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं हरबी वोट्स यू नो दैट कार्वी वोट जो है वो प्लांट को डायरेक्टली तो नहीं लेते बट वो उन एनिमल को खाते हैं जो कि आपके प्लांट ईडर होते हैं यानी कि एक, एक तरह से इनडायरेक्टली वो प्लांट पर ही डिपेंडेंट है तो इस तरह का जो मॉड ऑफ न्यूट्रीशन है उसे कहा जाता है breathing all plants breathe in oxygen the plants breathe through the minute holes present on the surface of the leaves which are known as the stomata all animals and human beings breathe while breathing they take in oxygen and give out carbon dioxide this process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is known as breathing or respiration it involves exchange of gases human beings and many animals like birds and reptiles breathe with the help of their lungs a fish breathes through gills insects breathe through air tubes अब जो प्लांट्स हैं आपके आपको मालूम है वो ब्रीद करते हैं प्लांट्स के सरफेस पे लीज के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता जाते हैं उनके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं तो जितने भी एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम पर ऑक्सीजन लेते हैं यानी इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्जेल करते हैं तो ये जो तो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है ह्यूमन बींग्स बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लंग्स की हेल्प से करते हैं जबकि फिश जो आपकी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है और इंसेक्ट के बॉडी में एयर ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रीथ करते हैं ग्रोथ ग्रोथ इज यूनिवर्सल फिनोमिन विच इज फाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स Organisms take out and undergo cell division to produce more number of cells. Thus, living organisms have a growth period for a certain number of years. A small boy grows into an adult, and a sapling grows into a tree due to cell division. A growth is accomplished by growth in all the body parts proportionally. There are some parts of a body in which growth can be appreciably seen. In hair and nails, there is an appreciable growth. Growth is a universal phenomenon that is in every living organism. Right? Every organism grows. अब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एनर्जी लेते हैं और फिर उनमें सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रोथ पीरियड होता है वो सर्टेन तक होता है यानी कि वो हमेशा नहीं बढ़ेगी उनका एक सर्टेन पीरियड होता है जैसे आपका स्मॉल बॉय जो है वो एडल्ट में ग्रो करता है सैपलिंग आपकी ट्री में ग्रो करती है ड्यू टू सेल डिवीजन तो ग्रोथ आपकी कब अकम्पलिश होती है जो जितनी भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी में ग्रोथ हो जाए आपकी प्रोपोर्शनली हालांकि जैसे आपके हेयर एंड नेल्स हैं इनमें आप अप्रिशिएबली ग्रोथ आप देख सकते हैं सम एनिमल्स ऑलसो हैव द पावर ऑफ री जनरेशन अ लिजर्ट रिसीव इन अदर लिजर्ट और इनसेक्ट बायीजिंग इट्स टेल इट री जनरेट अ लॉस टेल आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अच्छा जैसे लिजर्ट को आपने देखा होगा इनमें री जनरेशन की पावर होती है तो एक लिजर्ट क्या करती है जैसे कि ये फूल बनाती है दूसरे लिजर्ट को किसी इनसेक्ट को क्या करती है अपनी टेल को रिलीज कर देती है आपने देखा होगा कई बार लिजर्ट आपको बिना पूछ के नजर आएंगे एक्चुअल में खुद से रिलीज कर देते हैं और उनकी जो लॉस टेल होती है एक सर्टिन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये वापस आ जाती है a similar change in the appearance of the plants can be seen the stem of the sapling is soft but when they grow into a tree the stem grows hard bark is also found in the stem a developed tree has flowers and fruits a developed tree may have its roots stretching to larger distance in search of water and minerals uh, इसी तरह से प्लांट्स की अपियोरेंस में भी चेंज देखे जा सकते हैं जो स्टेम होती है सेप्लिंग की सॉफ्ट होती है लेकिन जब वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्टेम जो है हार्ड हो जाती है फिर बाग आपकी स्टेम में पाई जाती है एक डेवलप्ड ट्री में फ्लावर्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं राइट और जो रूट्स होती हैं, हैं। वो काफी दूर लंबी डिस्टेंस तक भी आपके स्ट्रेच आउट हो जाती वाटर और की सर्च में। ग्रोथ ऑफ बॉडीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज वेर अ डॉग अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व एंड हॉर्स मे लिव अस years मोन्ड अ टोटल may live फॉर अबाउट 300 years अच्छा देखिए जो ग्रोथ है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वो डिफरेंट रेट से होती हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हर ऑर्गेनिज्म की वो डिफरेंट होती है जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 70 ईयर्स ये एवरेज है ठीक है डॉग की होती है ट्वेल्व ईयर्स तक हॉर्स की थोड़ी और ज़्यादा होती है एंड टोटल जो है वो तीन साल तक आपका रह सकता है नेक्स्ट इज लोको मोशन ऑफ मूवमेंट लिविंग स्पेशली एनिमल्स आर कैरेक्टराइज बाय स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लोको मोशन एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसड इन प्लांट्स द सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स द सन अ प्लांट प्लाट में बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट इन सर्च ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस द रूट्स ऑफ द प्लांट्स मूव टुवर्ड्स द एरियाज वेयर देयर इज मोर वाटर अब देखिए लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं है, है ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं प्लांट्स में भी मूवमेंट देखा जा सकता है जैसे कि सनफ्लावर आप देखेंगे वो सन की तरफ अपने आप फेस जो है वो टर्न कर लेता है इसी तरह से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो उस एरिया में जाती हैं जहां पे ज्यादा वाटर होता है

अब जैसे आपकी ह्यूमन बींग है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है एज अ फेयर वो आपका बाहर आ जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सरिशन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान और जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर एंड ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट ये गिव आउट करते हैं कुछ प्लांट जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट गम के प्लांट जैसे आपका गम प्लांट है कुछ प्लांट्स में जैसे गम निकलता है रेजिन निकलता है तो ये सारे उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इरिटेबिलिटी

Leafs के पास आप अपने फिंगर्स लेके जाइए करेंगे तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाएंगे तो जो है, का इसे कहा जाता है, अच्छा कुछ प्लांट जो है लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि जो लीवस होती है ना प्लांट की वो जहां से लाइट मिल रही होती है वो उस तरफ मूव करते हैं क्योंकि उन्हें लाइट की जरूरत होती है तो दिस फिनन इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म Activity 3. Take a cardboard box which has an open window or a hole on one side. Place some germinating gram seeds in a small pot containing moist soil. Place the pot inside the box. Water the plants daily. After about a week, you will observe that all seedlings tend to grow towards a window that is a source of light. If you wait for some more days, you will notice that the seedlings. Ultimately, come out of window. This respond to light is also found in animals. The nocturnal animals do not come out in daylight, but comes out at night only. If light is thrown on them, they get alternative of an enemy attack. The ears of cat and dog try to get the sound of freely from its enemy. The head can be seen moving with frisk. Take cardboard box, Lena. Apne just make open window ya hole, right? फिर आपने क्या करना है कुछ ग्राम सीड्स को छोटे से स्पॉट में रखना है जिसमें मॉइस्ट हो सॉइल हो इसके बाद आप पॉट को बॉक्स के अंदर रख देंगे फिर आपने प्लांट को डेली उसमें वाटर डालना है एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि जो सीडलिंग्स हैं वो जहां आप विंडो की तरफ वो मूव कर गए यानी सोर्स ऑफ लाइट और अगर आप कुछ और दिन के लिए देखेंगे तो जो सीड्स हैं वो अल्टीमेटली आपकी कहा जाएंगी दे विल अल्टीमेटली कम आउट ऑफ विंडो तो ये जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइट ये आपका एनिमल्स में भी पाया जाता है जैसे जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं ना वो दिन में नहीं बाहर निकलते हैं बट वो नाइट में निकलते हैं ओके okay? तो और जो जैसे कि आपके ईयर्स होते हैं कैट या डॉग के वो क्या करते हैं वो साउंड को गेट करने की कोशिश करते हैं अपने एनिमी से उनका हेड जो है आप देख सकते हैं मूव करता रहता है फ्रिस्क के साथ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गैनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज द नंबर्स बाय रिप्रोड्यूसिंग द यंग वंस एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और यंग्स अकाउ गिव्स बर्थ टू अ काफ कैट्स प्रोड्यूस किटन्स बिच गिव्स बर्थ टू अ पपी एंड अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बेबीज को तो देखिए एनिमल जो है अपने बेबीज को या तो जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं राइट जैसे काउ जो है काफ को जन्म देती है कैट जो है किटन प्रोड्यूस करती है और इसी तरह से आपके जो बिच है वो पपी को बर्थ करती है वुमेन जो है वो बेबी को जन्म देती है तो इस तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपके वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं नोट्स फॉर द चैप्टर हैबिटेट the surroundings where living organisms live are known as their habitat specific features that enable a plant or an animal to live in its habitat are known as adaptations living things such as plants and animals in a habitat are known as biotic components non-living things such as rocks soil air and water in a habitat are known as abiotic components terrestrial habitat plants and animals living on land are said to be in terrestrial habitat desert animals commonly found camel desert rat etc Plants commonly found cactus, opuntia, etc. Second, mountain regions. Animals commonly found snow leopard, yak, mountain goat, etc. Plants commonly found cone shaped trees with sloping branches such as pines. Third, grasslands. Animals commonly found lion, deer, etc. Plants commonly found grasses, shrubs. Aquatic habitat. Plants and animals living in water are said to be in aquatic habitat the Living creatures of all kinds are known as living organisms. For example, all plants, animals, and microorganisms are living organisms. Characteristics of living organisms. All living organisms require food, all living organisms show growth. All living organisms respire, respond to stimuli, excrete, and reproduce. The animals can reproduce by either laying eggs or giving birth to young ones. Children, I hope you have chapter and it's chapter practice. You Subtitles by the Amara.org community